भैया राम राम। आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी है कोमल श्रीवास। मचो का है जो, जहां एक तरफ एसपी सचिन शर्मा जी बहुत अच्छो काम कर रहे, ईमानदारी से काम कर रहे, और ईमानदारी के लाने जाने जाते, न्यायप्रिय है, सज्जन आदमी है, लेकिन जो मातहत है, थाना प्रभारी है, वे कहूं ना कहूं उनकी साख में बट्टा जरूर लगा रहे। और हम जो एक खबर नहीं दिखा रहे, हमने बहुत खबरें ऐसी दिखाई, कई थानन की खबरें दिखाई कि जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे थानेदार, मारपीट हो जाए, कछु हो जाए, कितनों संगीन जुर्म हो जाए, लेकिन मामूली धारण में केस बना दो जाए, और वो बेचारो घूमत रात, और अपराधी के हौसला बुलंद हो जाते कि हम औक्का बिगाड़ लो, हम औक्का रका लो। ऐसे कछु मामला है जो उजरा को, उजरा से जो आए हैं कि जब कार्रवाई नहीं भई, जब घटना है 25 तारीख की, 25-26 की दरमियानी रात की घटना, इनके ऊपर हमला हो रहा हो, और हमला देखो जा सकत कि दो ही हाथन में फ्रैक्चर है, और जब दो ही हाथन में फ्रैक्चर है तो धारा ऐसी लगो चाहिए कि अभियुक्तन का पकड़ो चाहिए, जेल जाओ चाहिए। लेकिन थानेदार के ऊपर ऐसा कौन सो दबाव है, थानेदार के ऊपर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिसे कार्रवाई नहीं करी जा रही, और कार्रवाई ना होवे पे मजबूर हो के आदमी एसपी के इतने भगत है कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय चाहने। अब इनकी कहानी नहीं कि जुबानी सुनवा रहे, लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की। सुनो भैया रो सब जने, दुबे जी का नाम रामेश्वर दुबे जी, का भाव दुबे जी, घटनाक्रम कैसे का है? हम यहाँ अपने यहाँ प्लांट के यहाँ प्याज लगी, उसमें पानी लगा रहे थे रात में, वहीं सो गए, रात के 2 बजे आए लोग, उनने हमारी पल्ली खींची, और पल्ली खींच के लट से और लोहे की लाडन से प्रहार करो, और फिर हम दौड़ के भागे, और भागत भागत मंदिर तक एक 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 डंडा मंदिर के गेट के पास मारो, फिर और हम हर तरफ निकल गए, जो लोग हमारे भैया लोग आ गए, इसके बाद वो भाग गए। क्या जने हैं? 3 जने। का नाम? साहब सिंह, महेंद्र सिंह, बहादुर सिंह। तीनों आदमी ने आपके ऊपर हमला करो, कब पहले से कोनू विवाद है तो का? नहीं कोनो विवाद ना तो। अच्छा। अचानक फिर कैसे हमला? थोड़ी तो विवाद सवेरे उनने गाली नहीं दारू पी के। अच्छा। और बोले देख ले भी, ऐसा अच्छा। कोनू विवाद नहीं हो तो इसे हम हार में पड़ रहे। तो दारू पी के मतलब सवेरे गाली दी? हाँ। काय बात पे दी गाली? हमारे यहाँ हार्वेस्टर चल रही थी, हम रास्ता में बैठे थे, इनने ना हॉर्न बजाया और ना मुँह से कही के एक तरफ हो जाओ। हम नहीं थे हार्वेस्टर वाले, थे एक उन्हीं का भतीजा था, हल्के साहब सिंह का एक भतीजा भी साथ में था, और गाली देने लगे। हम लोग उठ गए, हम लोगों ने की के गाली मत दो, हॉर्न बजा देते या रोक कह देते, हम एक तरफ हो जाते। बोले सारे यारों देख लेंगे, हम रात के लेटे थे, इनने हमारे को प्रहार कर दिया। फिर रात के आके इनने हमला कर दो काका लेते जो हथियार पड़ जाए इनके पास, काका कैसे हमला कर? हमें तो राड दिखानी लोहा की और लाठी, और नहीं दिखाना हमें। तो भैया जो है देखो ईमानदारी से बता रहे भाई, तो चाहते तो कछु और भी लिखवा सकते, बता सकते कि हथियार जे लेते जो है, तो लेकिन ईमानदारी की बात है कि नहीं, जो कछु लेते जैसे हमला करो, वो राड लेते और राडन से इनके ऊपर हमला करोगे, और मामूली से विवाद खा लेके कोनो ऐसो विवाद ना, तो इनको हार्वेस्टर चल रहा हो तो भूसा डरो हुई है, कहूँ रास्ता में जी गिर गए हुए, कोनो बात हो गई हुए ऊपे होन बहसाबाजी भाई, और बहसाबाजी में आके उनने सीधी धमकी दी कि हम तुम्हें शाम के देख ले भी। लेकिन ये दुबे जी जी चक्कर में रहे कि छोटी मोटी बात आए, बहसाबाजी आ का दारू वारू पिए थे का? हाँ दारू पिए थे, तीनों जने दारू पिए। हाँ। तो भैया मुख्य वजह का है बस शराबखोरी दारूखोरी, उनने धमकी दी, उनने नजरअंदाज कर दो कि दारू वारू पिए हुई हैं, बड़बड़ा रहे हुए, इनने उस चीज पे ध्यान नहीं दो कि इनके दिल में का है आगे जी हमारे ऊपर हमला कर सकत, और जैसे ही रात भई और जे सोए वो इनके ऊपर हमला होगो ऐसे ही। हाँ जी। अब भैया पुलिस से यही उम्मीद करी जा रही, संदीप दीक्षित है हालांकि आदमी ठीक है, टीआई सही है, ईमानदार है, लेकिन इमें वजह का है काय जो मामूली धारण में अपराध कायम करोगे, अभी तक अभियुक्त पकड़े नहीं गए? नहीं ना अबे तक हमारे बयान लेना है। अच्छा। हम छोटे भैया ने रिपोर्ट करी, हम अस्पताल में बने रहे। हाँ, हाँ। हमारे बयान कोई बयान नहीं, कुछ नहीं होगा। इतने जरूर पुलिस की लापरवाही साफ है, सामने है, इसमें थाना प्रभारी का ध्यान दो चाहिए कि अबे तक ना तो इनके बयान दर्ज करे गए और ना पुलिस इनके इतने आई कि आखिर घटनाक्रम है का,
और जब इतनी लापरवाही पुलिस करे थे तो इसको मतलब है कि कोनू न कोनू दबाव पुलिस के ऊपर है, या तो पैसन को दबाव है, पैसा पहुंच गो। बुंदेली चुगली साफ स्पष्ट खबरन के लाने जानो जात हम एक एक पर्त यही से खोलत भैया। दूसरे पक्षों को भी स्वागत है कि अगर ये जबरदस्ती फंसा रहे, झूठो फंसा रहे, तो भैया आपको स्वागत है, आओ बताओ खबर तुम्हारी भी चला भी। हम एक पक्ष की नहीं सुनत, हम दो ही पक्षन की सुनत, लेकिन जो पक्ष हमारे सामने है और जो भी बता रहे हम उनकी बात मान के खबर चला रहे कि हाँ इनके ऊपर हमला भव है जो प्रत्यक्ष देखो जा सकत। राडन से हमला भव है, तीन आदमी हथे, तीनों जने नशा में हथे। अब थाना प्रभारी की क्या मजबूरी है कि आखिरकार अपराध इतनो बड़ा अपराध होवे के बाद भी अब तक इनके बयान दर्ज नहीं करे गए। अब एसपी साहब लोग आए हैं जी अपनी फरियाद लेके कि हमें न्याय की उम्मीद है कि न्याय मिले। एसपी सचिन शर्मा जी हैं, न्याय कराएं हमारे संगे। जो उम्मीद लेके एसपी साहब लोग आए जी, एसपी साहब लोग आए हो कि न्याय मिले, न्याय मिले हमें। तो भैया यही उम्मीद के संगे बुंदेली चुगली जो उम्मीद लगा है कि संदीप दीक्षित थाना प्रभारी जरूरी में कार्रवाई करें, मामला खत तुरंत निपटाएं और जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल भिजवाएं। बुंदेली चुगली की यह लाइव प्रस्तुति हम भैया तय समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी। तब तक के लाने भैया और सब जन का माई राम राम।